जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवध विश्वविद्यालय इस बार आपके कोर्सेज के फीस कितने चार्ज कर रहे हैं। मतलब अगर आप इस साल अगर आप अवध विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके तमाम कोर्सेज, चाहे BA, BSc, BCom, BBA, BPharma, BTech, PG की बात करें तो MA, MSc, MCom, MEd की बात करें, LLM की बात करें, इन सारे कोर्सेज के विश्वविद्यालय इस बार फीस कितना चार्ज कर रहा है, हर साल फीस कितना लगने वाला है और उस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग हैं जो उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आइए इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली आपका अपडेट कर दिया है इस साल के कोर्सेज के बारे में, तो हम देख लेते हैं कि आपके इस बार के कोर्सेज के जो भी आपकी फीस है और एलिजिबिलिटी है, उन सारी चीज़ों को वन बाई वन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि मेरे चैनल से बहुत सारे बच्चे BEd से जुड़े हैं, MEd की इंक्वायरी लेना चाहते हैं, LLB की इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हम बेशक शुरू करेंगे इस वीडियो को कहाँ से। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे बिल्कुल वहीं से, MEd की शुरुआत से करेंगे, जानेंगे कि MEd का फीस कितना है। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों, MEd की अगर फीस की बात करें तो इस बार भी अवध विश्वविद्यालय आपके MEd के लिए फीस जो रखा गया है वो फीस रखा गया है 59,600 रुपये। जी हाँ, लगभग 60,000 रुपये एक साल का फीस रखा गया है। तो यहाँ पे जो भी फीस डिटेल आपको बताई जाएगी वो हर साल का है, पर एनम है, पर ईयर की बात की जाएगी। ठीक है, तो अगर MEd की बात करें तो MEd में आपकी फीस है कितना, 59,600 रुपये, लगभग 60,000 रुपये। इट्स टू मच, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यही रियलिटी है कि हमें इतना फीस देना है अगर अवध विश्वविद्यालय में MEd करना है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो एलिजिबल कौन है, तो एज़ पर द NCTE नॉर्म्स के अनुसार, चाहे जिन्होंने BEd किया हो, BSc BEd किया हो, BA BEd किया हो, DLED किया हो, दे आर एलिजिबल फॉर द मास्टर ऑफ एजुकेशन एंड दे कैन गो फॉर द मास्टर ऑफ एजुकेशन विथ 59,600 एंड फीस। तो इतने महंगे फीस के साथ आप MEd कर सकते हैं। अगर हम LLM की बात करें, LLB की बात करें, तो ये LLB की अगर हम बात करें तो ये कॉलेजेस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, कुछ कॉलेजेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिया कि LLB की फ़ीस कितनी होगी। MPed अगर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसकी भी फीस लगभग मास्टर की 59,000 है और 46,000 है बैचलर की। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बच्चों बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की फीसेस की। तो आप कौन से कोर्स करना चाहते हैं, आप कौन से कोर्स करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से या इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज से, कमेंट में आप ज़रूर हमें बता दीजिएगा। तो अगर हम बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की बात करें बच्चों, तो बी फार्मेसी में बैचलर ऑफ फार्मेसी की अगर हम बात करें तो 76,600 रुपीज़ पर ईयर फीस है, हर साल 76,600 रुपये फीस है। सोचिए कितना महंगा फीस है, कितना महंगा, आपको पता है 76,000 अमाउंट कितना होता है। अगर कोई इंसान हर साल साल के हर महीने 6,000 की सेविंग करता है ना, तभी उसका 72,000 होगा। लगभग आपको 6,500 हर महीने सेविंग करना पड़ेगा तब आप एक बच्चे को यहाँ से बी फार्मेसी करा पाएंगे। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मतलब गवर्नमेंट को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। 76,000 एक साल का फीस है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी का। ठीक है, तो ये है हाल एजुकेशन में महंगाई का, क्या ही करें, चलना था। तो अगर आपको करना है तो 76,000 आपको पे करना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया फीस स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, डी फार्मा की बात करें, डी फार्मेसी की बात करें तो 60,000 रुपये फीस है। ठीक है, चलिए अगर BTech की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर BTech कर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो BTech के भी कुछ फीस इसी प्रकार है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर CSE से आप करेंगे तो BTech का 76,000 फीस है, और MTech की बात करें तो 68,000 फीस है फुल टाइम करते हैं तो। अलग अलग ब्रांचेज यहाँ पे दिए गए हैं, उसके सामने फीस दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 76,000 रुपये BTech के फीस यहाँ पे रखे गए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आपके लिए 76,000 फीस है पर एनम पर एनम हर साल। तो अगर आप करना चाहते हैं बच्चों, देखिए शौक होना चाहिए, मतलब आप शौक से करना चाहते हैं केवल डिग्री लेने के लिए, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जो डिग्री हासिल करने के बाद आपकी कहीं जॉब लग जाए, आपकी नौकरी लग जाए, बिल्कुल भी इसकी गारंटी नहीं है। तो आप पढ़ने के लिए कोई भी कोर्स करें, आप उसको सीखने के लिए कोई कोर्स करें, उस स्किल्स को समझने के लिए कोई कोर्स करें, और एक इंसान अगर ईमानदारी से वो कोर्स कर लेगा तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे बच्चों को वो कोर्स का ज्ञान वो फ्री में दे सके। तो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था होती है,
लेकिन वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है कि नहीं देती है, तो आता है मोस्टली बच्चों के स्कॉलरशिप आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बीटेक के कोर्सेज़ के फीस हैं। अगर हम किसी और कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं, जैसे एमए एमएससी की बात करें, तो एमएससी के 30,000 रुपये फीस आप देख सकते हैं, ठीक है। एमएससी अगर जियोग्राफी जियोलॉजी से, अगर आप जियोफिजिक्स से करना चाहते हैं, तो 30,000 रुपये फीस है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों योगा और फिजिकल साइंस स्पोर्ट्स के, तो इसके भी फीस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कुछ देखेंगे एमएससी की फीसेस देख लेंगे, या फिर हम देख लेते हैं मास्टर ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। देखिए मास्टर ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, एलएलएम की बात करें, तो 50,000 रुपये फीस है, ठीक है। एलएलएम की बात है, 50,000 हर साल आपको पे करना है इफ़ यू वांट टू गो फॉर द एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ। और मास्टर ऑफ लॉ की एलिजिबिलिटी बहुत आसान होती है, आपको एलएलबी होना पड़ेगा, चाहे आपने 3 साल का एलएलबी किया हो, चाहे आपने 5 साल का एलएलबी किया। चलिए अगर एमबीए की बात कर लें, तो बच्चों एमबीए चाय वाला नहीं, मतलब हमारे अच्छे एमबीए हैं ये, बिजनेस के बहुत अच्छे जानकार बनेंगे, ठीक है। सो अगर एमबीए की बात कर लेते हैं, 32,850 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है एमबीए की। एमबीए इन फाइनेंस एंड कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो 36,000 रुपये फीस है। एमबीए इन एग्रीकल्चर बिजनेस, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट, एमबीए इन द टूरिज्म इन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो इसके 26,850 रुपये फीस रखे गए हैं इस साल के, ठीक है। ये है एमबीए का फीस। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। एमएससी की बात कर लेते हैं, एमएससी की फीस 11,350 रुपये रखे गए हैं। अगर कोई एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहता है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स से करना चाहता है, तो 11,350 रुपये। कोई कंप्यूटर साइंस से अगर एमएससी करना चाहता है, तो आपके 30,000 रुपये बच्चों फीस रखे गए हैं, ठीक है। सामने उसकी एलिजिबिलिटी भी दी जा रही है कि आपको क्या कोर्सेस होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर। चलिए एमए की फीसेस कम होती हैं जनरली कंपेयर टू द अदर कोर्सेज, तो ये रही एमए की फीस स्ट्रक्चर आपके सामने, ठीक है। एमए अगर आप इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट से करना चाहते हैं, 6,000 इस तरीके से आपके फीस रखे गए, ठीक है। एमए की फीस रखी गई, ओके। देखिए बीएससी की फीस 24,800। अगर बीएससी साइंस से कोई बच्चा कर रहा है, तो उसके 24,800 रुपये फीस, चाहे आप फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर से करें, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी से करें, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से करें, या फिर फिजिक्स बायो केमिस्ट्री से करें, फिजिक्स बॉटनी से, तो आपके 24,850 रुपये रखे गए, ठीक है, फीस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की बात है कि यहाँ पे अभी भी 3 साल का यहाँ पे बीएससी दिखा रहा है। हालांकि बहुत सारे विश्वविद्यालय में 4 साल का बीएससी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 3 साल 6 सेमेस्टर का दिखा रहा है। आई डोंट नो वाई, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय ने बीएससी क्या कर दिया, 4 साल का कर दिया, जबकि अवध विश्वविद्यालय अभी भी बीएससी 3 साल का दिखा रहा है। तो ये एरर है, या फिर लिटरली यहाँ पे 3 साल का कोर्स हो रहा है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी ने अगर जारी किया, सो आई होप सो कि 3 साल का ही चल रहा होगा। लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय में अभी क्या हो गया, बीएससी 4 साल का हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनईपी तो लिखा है, लेकिन अभी भी इनके 3 साल के कोर्स चल रहे हैं बीएससी के। सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, सो लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट कोर्सेज। बीए की बात कर ले, बीए की भी कोर्सेज 11,350 रुपये, चाहे बीए आप लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश संस्कृत सिंधी से करें, या फिर आप किसी भी जियोग्राफी होम साइंस म्यूजिक फिजिकल साइंस एजुकेशन इन सब से करें, आप देख सकते हैं आपके बीए के जो हैं कोर्सेज उसके फीस कितने, 11,350 रुपये। 3 साल का यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 6 सेमेस्टर का कोर्स, और ये रहा अवध विश्वविद्यालय 2023-24 का आपका जो भी स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी था, सो ये यहाँ पे दिया गया अवध विश्वविद्यालय की तरफ से। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी थोड़ा बहुत सहायता हो गई होगी आपके फीस की जानकारी के हिसाब से। सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन से कोर्स करने जा रहे हैं। बाकी जो भी डिटेल्स होती हैं उसके, कोर्स के सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे आपके कमेंट के अनुसार। सो अभी आप हमें कमेंट बताइए कि आप कौन सा कोर्स लेने का सोच रहे हैं, या लेने के जा रहे हैं, या फिर क्या चाहते हैं। अगर आप उस पर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो फार इन दिस वीडियो यहीं तक आई मीन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो विल टॉक फर्दर इन द अनदर वीडियो, सो लेट मी गो एंड सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। सो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।